हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रामर। ग्रामर में हम जीरो से लेकर और 100 तक लेके जाएंगे ग्रामर को, यानी कि जीरो से लेकर हीरो बना देंगे बिल्कुल। आज जो हम शुरू करेंगे ग्रामर में 9, 10, 11, 12 सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या कोई सा भी बोर्ड हो, जहाँ पे भी ग्रामर, हर जगह ग्रामर आते हैं और ग्रामर में बच्चों का हाथ बहुत होता है, ज्यादा तंग। तो ग्रामर को आज हम जीरो से शुरू करेंगे और जीरो से करते हुए इसको फाइनल स्टेज तक लेके जाएंगे। कोई भी डाउट हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे यूपी बोर्ड का स्टूडेंट्स है, चाहे सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट्स है। और इसकी बहुत सारी क्लासेस होगी, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखना। तो आज हम शुरू करते हैं इस इकाई, और ग्रामर को शुरू करने से पहले हम शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप सभी ने पढ़ रखी होगी, फिर भी हम यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि जीरो से तो लेके शुरू करना है। जिससे भी नहीं आती है वो भी आज ग्रामर सीख जाएगा। जिससे भी अब तक जो भी डर रहा था कि ग्रामर नहीं आती है, ग्रामर ऐसे वैसी है, सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज हम अपना सेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में यदि बात करते हैं, ये टाइप्स की होती है, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, यह हमारी कितनी होती है, 8 टाइप की होती है। इसमें हम यहां तक पढ़ेंगे 6 तक, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन को हम अलग से पढ़ेंगे। कंजंक्शन और प्रेपोजिशन को हम अलग से पढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं नाउन से। नाउन क्या होता है इसी के बारे में अब हम समझते हैं। तो यदि हम नाउन के बारे में समझने की कोशिश करें तो नाउन होता क्या है, तो रियलिटी में नाउन है क्या, यदि हम बचपन में समझने की कोशिश करें, जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने हमें सिर्फ एक ही बात समझाई है, वो हमेशा एक ही बात समझाते थे कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, पैलेस और थिंग्स। उन्होंने हमें ये रटवाया है। उस समय समझ नहीं आया, फिफ्थ क्लास हो गई, 6, 7, 8, 9, यानी फिफ्थ में फर्स्ट चैप्टर जो भी होता था ग्रामर की बुक में, वो क्या होता है, नाउन। 6 में भी क्या होता है, नाउन। 7 में भी क्या होता है, नाउन। 8 में भी नाउन। 9th में आते हैं सब कुछ दिक्कत, क्योंकि 9th, 10th में तो ये सिखाए नहीं जाते और ये हमसे आते भी नहीं है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम लगातार पढ़ते रहते हैं लेकिन समझ में नहीं आते। तो आज सभी के समझ में आएगा फ्रेंड्स, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, अच्छा सा कमेंट जरूर करना। तो बात करते हैं नाउन की। तो नाउन होता क्या है फ्रेंड्स, जितने भी इस संसार में चीजें हैं वो सभी क्या है, नाउन है। कुछ भी हो आपको दिखाई देता है तो नाउन है, कुछ चीजें जो आपको दिखाई देती है वे भी नाउन, दिखाई नहीं देती तो भी नाउन है, आपकी फीलिंग्स भी नाउन है, सब कुछ नाउन है। यदि इस रूम की बात करो, स्टूडियो की बात करो, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, फैन है, बुक्स है, टेबल है, बेंच है, कैमरा है, बोतल है, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा है ये रेड कलर से, ये जो लिखा हुआ है इसका जो पाउडर है, ये भी क्या, नाउन है, सब नाउन है। यानी कि जो अर्थ है ये किससे, ये भी क्या है, हमारा एक नाउन है, हर चीज नाउन है। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना कि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है, ये भी नाउन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब नाउन है, इस धरती पे सब कुछ नाउन है। बट अब ये तो हमने समझ लिया कि सब चीजें नाउन है, तो चलो आ जाओ समझ लेते हैं कि अभी हमने क्या समझा कि ऑल नेम्स आर नाउन, कि जितने भी नाम होते हैं सभी नाउन होते हैं। ऑल नेम्स आर नाउन, आपको जितने भी नाम पता है वे सब नाउन है, और जिसके नाम आपको नहीं पता वो भी तो नाउन है ना, दिखाई तो दे रहा है आपको, भले ही आपको नाम नहीं पता है लेकिन वो नाउन तो है। अब इतने सारे नाउन हो गए तो अब हमको इन्हें कैटेगरी में लेके जाना पड़ेगा कि कौन सा नाउन कौन सा होता है। जब नाउन तो सब हो गए, अब इनको पहचान करनी पड़ेगी ना, भैया ये नाउन ये वाला है, ये नाउन ये वाला है और ये नाउन ये वाला है। तो इस हिसाब से जो हमारे नाउन होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। यदि फर्स्ट टाइप की यदि हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, हमारा जो फर्स्ट टाइप होता है नाउन का, वो होता है भाई हमारा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। सेकंड होता है भैया
कॉमन नाउन। थर्ड होता है क्या? फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड होता है कॉमन नाउन, थर्ड होता है भैया हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के बाद यदि हम समझने की कोशिश करते हैं फोर्थ नाउन के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर, सेकंड कॉमन, थर्ड मटेरियल, फोर्थ होता है कलेक्टिव। कौन सा होता है हमारा? कलेक्टिव नाउन। और जो हमारा फिफ्थ पे आ गया, क्या आ गया हमारा फिफ्थ लास्ट वाला, ये होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यदि हम समझने की कोशिश करें यहां तक के नाउन को हम देख सकते हैं, बट इस नाउन को हम देख नहीं सकते। ये वे नाउन है जिनको हम देख सकते हैं, बट इस नाउन को हम कभी देख ही नहीं सकते। तो बचपन में हमें सिर्फ इसलिए तो कहा गया था ना, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, पैलेस ऑफ थिंग्स, पर्सन, पैलेस और थिंग्स। पर्सन हो कोई, प्लेस हो स्थान का नाम, पर्सन का नाम, वस्तु का नाम, ये वे चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं। बट अभी हमें क्या जाना कि एक नाउन ऐसा भी होता है जिसको हम नहीं देख सकते। तो अब शुरू करते हैं हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में। यदि हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जिसके निश्चित नाम होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित नाम, या कह सकते हैं पर्टिकुलर नेम्स। पर्टिकुलर नेम ये क्या होते हैं? पर्टिकुलर नेम होते हैं। दूसरी यदि हम पहचान की बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, पहली तो पहचान ये हो गई कि हमारे क्या होता है, पर्टिकुलर नेम होता है, निश्चित नाम होता है। अगली पहचान की बात करें तो अगली पहचान ये होती है कि इनका जो पहला अक्षर होता है, क्या होता है? पहला अक्षर हमेशा क्या रहता है? कैपिटल लेटर्स में रहता है। किस में रहता है? कैपिटल लेटर्स में। और तीसरी बात, इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। क्या नहीं होता इनके साथ? आर्टिकल का यूज नहीं होता। अब आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं बेटा आपके ए, एन, द। इनका यूज हम, इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। ये हो गई हमारी पहचान। क्या हो गई पहली पहचान? कि इनका एक निश्चित नाम होता है, पहला अक्षर कैपिटल होता है, उसके बाद इनके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। ये होती है हमारे प्रॉपर नाउन की पहचान। कैसे? यदि अब हम कुछ एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने लिखा, कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, एग्जांपल्स लिखते हैं। हमने लिखा मोहन, फिर लिखा हमने मीरा, मीरा के बाद यदि हम लिखने लगे, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा यमुना, यमुना के साथ साथ कुछ और लिख लेते हैं, जैसे किसी कार का नाम ले लेते हैं, कार का नाम ले लेते हैं हम स्विफ्ट, स्विफ्ट, स्विफ्ट हो गई, बस काफी है इतने। तो ये सब क्या है? मोहन क्या है? देखो, एक तो एक पर्टिकुलर नेम है, दूसरा मीरा पर्टिकुलर नेम है, यमुना क्या है? पर्टिकुलर नेम है, निश्चित नाम है। अगली पहचान क्या है? कि इनका जो ये स्टार्टिंग में लेटर है, देखो ये वाला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। क्या होगा? हमेशा कैपिटल होगा, और इनके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। बात करते हैं कॉमन नाउन की। यदि कॉमन नाउन की हम बात करें तो कॉमन नाउन क्या होता है? ये एक कॉमन नाम होता है। क्या होता है? कॉमन नेम होता है। जैसे निश्चित नेम होता है, ऐसे ही कॉमन नेम होता है। इसकी बात करें तो इसका पहला अक्षर क्या होता है? स्मॉल लेटर्स में होता है। किसमें होता है? स्मॉल लेटर्स में होता है। इससे अलावा इसमें जो हमारे आर्टिकल होते हैं उनका यूज होता है, आर्टिकल का यूज होता है। क्या होता है इनमें? आर्टिकल का यूज होता है। और कौन सा आर्टिकल? हमारे आर्टिकल ए, एन, द का यूज हमारा इनके साथ होता है। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं।
तो इजंबर हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे मोहन की बात करते हैं तो मोहन क्या हमारा एक नाम है, पर्टिकुलर नेम है। तो यदि हम समझने की कोशिश करें तो मोहन क्या हो गया हमारा, अ बॉय, एक लड़का। मोहन क्या है, एक लड़का है ना। अब बॉय की बात करते हैं तो बॉय तो कोई भी हो सकता है, बॉय तो कोई भी हो सकता है, जो कोई भी हो सकता है, कॉमन हो गया ना, क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो मोहन क्या हो गया, एक लड़का। लड़के की बात करें तो लड़के में क्या है, मोहन। अब हम यहां पर देखें तो इसका पहला लेटर स्मॉल हो गया, इसके साथ आर्टिकल का यूज है। ऐसे मीरा क्या है, अगर। बात करते हैं यमुना क्या है, अ रिवर। स्विफ्ट क्या है, अकार। क्या है ये, अकार। तो इसका समझने का तरीका ये है कि इनके जैसा तो कोई भी हो सकता है, इनके जैसा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन इनके जैसा सिर्फ यही हो सकता है, इनसे अलग और कोई नहीं हो सकता। जैसे मैं कहने लगूं मैं भी लड़का हूं, भाई आप जो पढ़ रहे होंगे या तो लड़का होंगे या लड़की होंगे, ठीक है, लेकिन कोई भी हो सकता है। मैं भी लड़के में तो कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, लेकिन मैं हूं, आप हो, जो आपका नाम है वो आपका ही है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर मोहन के जैसे तो बहुत सारे नाम होंगे, बहुत सारे लड़के होंगे एक नाम के, तो भाई नाम तो एक ही रहेगा लेकिन दिया अलग अलग को जाएगा, नाम तो एक ही है लेकिन दिया अलग अलग को जा रहा है, इसलिए प्रॉपर नाउन का कभी प्लूरल भी नहीं बनता। बात करते हैं कॉमन की, तो कॉमन में जो बॉय है तो इनका प्लूरल भी बना सकते हैं, क्योंकि ये तो हर किसी के जैसे है, बहुत सारे लड़के 10, 20, 30, 50 सब लड़के ही लड़के हैं, लेकिन उन वे सभी लड़के मोहन नहीं है, वे सभी लड़के मोहन नहीं है, वे सभी लड़के मीरा है। जैसे क्या लड़के की, हमारे यहाँ तो बहुत सारी नदियां हैं, जैसे आपका जो क्षेत्र है, आपका जो गांव है, शहर है, वहां पर बहुत सारी नदियां हैं। कैसे, आपने नाले को भी नदियां बना दिया क्या, नाले अलग होते हैं, नदियां अलग होते हैं, इसलिए हर सभी नाले नदी नहीं होते, रिवर नहीं होते, और सभी रिवर गंगा नहीं होती, और सभी रिवर यमुना नहीं होती, बहुत सारी ऐसे तो रिवर है, रिवर तो बहुत सारी है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलते हैं फ्रेंड्स मटेरियल नाउन की तरफ। अब ये मटेरियल नाउन क्या होते हैं, यदि मटेरियल नाउन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं तो ये जो मैटर के बारे में बताते हैं, किसके बारे में बताएं, मटेरियल के बारे में बताएं, मटेरियल, मटेरियल या कह सकते हैं पदार्थ के बारे में बताएं, किसके बारे में बताएं, पदार्थ के बारे में बताएं। अब पदार्थ क्या हो सकता है भाई, इसके साथ भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता। जैसे पदार्थ में हम बात कर सकते हैं, मटेरियल में, मटेरियल में हमारा सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल है, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये सब क्या है एग्जाम्पल है इसके मटेरियल नाउन की। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, इसकी बात करते हैं, अब हम कलेक्टिव नाउन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव, कलेक्टिव से बना कलेक्शन, जिसमें हमें कलेक्शन का पता चलेगा, समूह का पता चलेगा, किसका, ग्रुप का पता चलेगा, किसका पता चलेगा, यहां पर ग्रुप का पता चलता है, किसका पता चलता है, ग्रुप, डिनोटिंग वर्ड्स, यानी कि जो किसके बारे में बताए, समूह के बारे में बताने वाले वर्ड्स, समूह के बारे में बताने वाले वर्ड्स, ये हमारे क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होते हैं। अब ग्रुप कैसे, जैसे बहुत सारे कहते हैं कि रात तो बहुत भीड़ लगी है, भीड़ किसकी होगी, इंसानों की होगी ना, भीड़ किसकी होगी, इंसानों की होगी। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम भीड़ का, तो भीड़ होती है भाई इंसानों की, तो एग्जाम्पल लिया हमने क्राउड, क्राउड के बाद हमने लिया बेबी, बेबी होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स, क्या होता है हमारा, ग्रुप ऑफ गर्ल्स। हम लेते हैं आर्मी, आर्मी क्या है हमारा, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। उसके बाद हमने क्या लिया, टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। उसके बाद हमने क्या लिया, क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे हर्ड क्या होता है, झुंड, ग्रुप ऑफ कैटल्स। बंच चाबी का भी हो सकता है, आपके
ग्रेप्स का भी हो सकता है, चाबियों का भी गुच्छा होता है, ग्रेप्स का भी तो गुच्छा, जिसमें ग्रुप ऑफ कीज इज कॉल्ड बंच। तो ऐसे सब कुछ बटे हुए हैं, क्राउड, बेवी, आर्मी, टीम, क्लास। अब बचता है भाई हमारा मैटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बचा हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, ये भी नाउन होते हैं जिनको हम कभी देख नहीं पाते, जो हमेशा किसी के क्या बताएंगे, गुण, दोष, क्वालिटी, इसके बारे में बताते हैं। इनको कभी देखा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इनको फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इनको फील किया जाता है, इनको हमेशा क्या किया जाता है, फील किया जाता है, इनको महसूस किया जाता है। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने कहा हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। अब खुशी, हमने कहा ब्यूटी, फिर कहा ऑनेस्टी, ये किसी के गुण भी बताते हैं। ब्यूटी, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ये सब क्या है? आप इनको देख थोड़ी सकते हैं। मैं कहने लगूं मैं बहुत ईमानदार हूं, आपको थोड़ी पता है मैं ईमानदार हूं, आपने देखी मेरी ईमानदारी? नहीं, मैं बहुत ईमानदार हूं, आपको नहीं पता ना, आप देख सकते हैं, सिर्फ आप इसको फील कर सकते हैं। वह लड़का बहुत होशियार है, होशियार मतलब क्वालिटी है, उसका गुण है, लेकिन आप उसकी क्वालिटी को देख नहीं सकते। तो यहां पर क्या, हैप्पीनेस, ब्यूटी, ऑनेस्टी, जिसको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कॉमन नाउन की। अब तो कॉमन नाउन है हमारे दो टाइप के होते हैं। क्या होता है? हमारे कॉमन नाउन दो टाइप के होते हैं। यदि कॉमन नाउन की बात करते हैं तो कॉमन नाउन हमारे टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा काउंटेबल नाउन और एक होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। यहां तक आई होप फ्रेंड्स आपने देख लिया होगा। अभी हम समझते हैं किसके बारे में, कॉमन नाउन के बारे में। अब जो कॉमन नाउन है हमारा दो टाइप का होता है। यदि बात करते हैं, एक आया हमारा काउंटेबल नाउन, दूसरा आया हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अब भाइयों फ्रेंड्स बात करते हैं काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। अब एक बात बताओ, क्या आप मोहन, मीरा, यमुना, स्विफ्ट इनको गिन सकते हैं? बताइए, जिनको गिन सकते हैं, जिसका प्लूरल बना सकते हैं, वो आपका होगा काउंटेबल नाउन। तो प्लूरल किसका बना सकते हैं आप? कॉमन नाउन का बना सकते हैं। किसका बना सकते हैं आप? कॉमन नाउन का बना सकते हैं। तो जितने भी कॉमन नाउन हुए सब आपके क्या हुए? काउंटेबल नाउन हुए। क्या हुए? काउंटेबल नाउन हुए। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? बॉय, जिसको हम गिन सकते हैं, तो बॉय को गिन सकते हैं हम, गर्ल को गिन सकते हैं, रिवर को गिन सकते हैं। इनका हम क्या कर सकते हैं? प्लूरल कर सकते हैं। और जिनका प्लूरल बन जाए, जिनका प्लूरल बन जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि पेन भी आ जाता है इसमें, कैट भी आ जाते हैं, जितने भी कॉमन नाउन होते हैं सभी क्या होते हैं हमारे? काउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन की बात करें, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है भैया? अनकाउंटेबल नाउन है। हमारे जो मेटीरियल नाउन है वो भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे समझने की कोशिश करते हैं, हमने लिखा मिल्क, सुगर, ठीक है, हमने लिखा ब्यूटी, ठीक, ये सब क्या है? हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे मोहन, मोहन, सोहन, नाम भी तो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होता है। यमुना, स्विफ्ट, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? कॉमन नाउन, करेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये और हमारे प्रॉपर नाउन, ये तो होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। बात करते हैं काउंटेबल नाउन की, तो काउंटेबल नाउन में हमारे जो कॉमन नाउन होता है किसमें आ जाता है? काउंटेबल नाउन में आ जाता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो नाउन है वो कंप्लीट होता है। एक बार फिर हम इसको क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने क्या देखा? हमने ये समझा कि जो नाउन होता है, जितने भी नाम होते हैं सभी क्या होते हैं? नाउन होते हैं। जितने भी नाम होते हैं सभी नाउन होते हैं, और इन नाउन को कैटेगराइज करने के लिए हमें कुछ इनके पार्ट्स में इनको डिवाइड करना पड़ता है। जैसे इसके पांच पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले बात करें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ये हमारे क्या होते हैं? पांच पार्ट होते हैं। बात करते हैं कॉमन नाउन के, हमारे टू पार्ट्स होते हैं। प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन हमारा ऐसे नाम होता है जो निश्चित होते हैं, पर्टिकुलर नेम जो होते हैं। इनके साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, और इनका पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है। जैसे कि हमारा नाम मोहन, सोहन,
किसी बुक का नाम आप ले सकते हैं या किसी आप रिवर का नाम ले सकते हैं। बात करता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन ये कॉमन नाम होता है, किसी का भी हो सकता है, ये आप हर चीज का एक कॉमन नाम होता है। जैसे पेन, बहुत सारे पेन हैं, क्या सभी पेन रिनोल्ड्स के हैं, क्या सभी पेन बटरफ्लो के हैं, बहुत सारी कार हैं, क्या सभी कार स्विफ्ट डिजायर है, क्या सभी कार फरारी है, नहीं फरारी अलग है वे सब कार ही, यदि कॉमनली बात करें तो सबको कहेंगे कार। बात करते हैं उसके आगे हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिसमें ग्रुप के बारे में पता चले, इसके बारे में ग्रुप के बारे में पता चले उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी, नेवी, पुलिस, टीम, क्लास, ये सब क्या होता है, ग्रुप होते हैं, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आता है भाई हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं तो इसको हम कभी देख नहीं सकते, इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, इसको फील किया जा सकता है, सुंदरता, ईमानदारी, बेईमानी, इसको फील हम कर सकते हैं। बात करते हैं किसकी, कॉमन नाउन की, तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, कलेक्टिव और काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन होता है जिनको हम गिन सकते हैं, और जिसको हम गिन नहीं सकते उसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आपका जो नाउन है वो कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, मैं एक्सरसाइज लिखता हूं, पहले आप इसको ध्यान से देख लेना और बाद में आप उस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज है, कुछ सेंटेंसेस है, इसमें आपको देखना है कि कौन सा नाउन है, कौन से वाला नाउन है, आपको इसमें वर्ड्स को देखना है कि कौन से वर्ड, कौन सा नाउन है आपका, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, उसके बारे में आपको लिखना भी है। तो देखिए आप इसको कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद आप इनको कर लेना। तो अभी हम समझते हैं कि इसमें कौन सा नाउन क्या है। तो यदि हम बात करते हैं सबसे पहले फाइल की, तो फाइल क्या है, नाम है, पहला लेटर कैपिटल है, एक पर्टिकुलर नेम है, तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। सिस्टर क्या है, पायल सिस्टर है, सिस्टर तो कोई भी हो सकता है, सिस्टर तो कोई भी हो सकता है, सब सिस्टर ही सिस्टर है, क्या सभी पायल है, नहीं, तो क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन, क्या हो जाता है हमारा कॉमन नाउन। बात करते हैं डॉग्स, जिसका प्लूरल बन जाए, पहला लेटर क्या हो, स्मॉल हो, अब कुत्ते तो बहुत सारे होते हैं, कुत्ते तो बहुत सारे होता है, जैसे जर्मन शेफर्ड होता है, लैब्रा होता है, अल्सेशन होता है, सभी डॉग्स है, लेकिन सभी क्या है, डॉग्स है ना, यदि अलग लेके चले तो क्या हो जाएगा हमारा एक कॉमन नाउन। बात करते हैं आयरन, आयरन क्या, हमारा मेटीरियल नाउन है, पहला लेटर कैपिटल है, दूसरा मेटल, मेटल दुनिया भर की मेटल है, कॉपर भी है, जिंक भी है, टाइटेनियम भी है, तो सभी क्या है, मेटल है, और उन सभी में आयरन क्या है, आपका मटेरियल नाउन भी है, क्या है, हमारा एक मटेरियल नाउन है, और उसके साथ साथ हमारा प्रॉपर नाउन भी है, क्या है, प्रॉपर नाउन भी है, क्योंकि इसके जैसा और कोई मटेरियल भी तो नहीं है ना, ये दोनों है हमारे। दिस इज अ वेरी बिग सिटी, सिटी की बात करते हैं तो दुनिया भर की सिटी है, दिल्ली, मुंबई, आगरा, सब क्या है, सिटी है, तो दिल्ली दिल्ली है, मुंबई मुंबई है, तो क्या हो गया है कॉमन, तो सभी को कहे तो सिटी है। गीता नाम है, पहला लेटर आपका कैपिटल है, एक पर्टिकुलर नेम है, किसी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, इसलिए हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन। सीजर डांसर, डांसर की बात करते हैं तो डांसर क्या है, डांसर तो कोई भी हो सकता है, वह भी है, मैं भी हूं, तुम भी हो सकते हो, क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन। कानपुर, कानपुर एक पर्टिकुलर नेम है, तो हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, और कानपुर क्या है, एक सिटी, बड़ी सिटी है, तो क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन। गंगा, गंगा क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, क्या है, अब इससे पहले दा क्यों लगाए, इसको हम समझेंगे आर्टिकल में, कि किस नाम से पहले दा लग जाता है, क्यों लगता है, उसको हम आर्टिकल वाले सेक्शन में समझेंगे, क्योंकि ये कहानी वहीं पर बताने की है, ये कहानी वहीं पर बताने की है। तो क्या है कि गंगा है, क्या है, प्रॉपर नाउन है, और एक होली रिवर, पवित्र नदी है, तो रिवर क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन। तो अब इसमें एक बात और समझने की ये है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी वर्ब में ई आर या ओ आर लगाते हैं, तो या तो वो क्या बनता है हमारा, क्या बन जाता है हमारा, वो बन जाता है कॉमन नाउन, क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। जब भी हम किसी वर्ब में ई आर या ओ आर लगाते हैं तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे हमने लिखा प्ले,
इसमें लगाया ईआर तो क्या बन गया प्लेयर, तो प्लेयर तो कोई भी हो सकता है। जैसे हमने लिखा डांस, डांस में क्या लगाया ईआर तो क्या बन गया डांसर, कोई भी हो सकता है। हमने लिखा कंडक्ट तो क्या बन गया ओआर लगाया तो क्या बन गया कंडक्टर, तो कंडक्टर कोई भी हो सकता है। हमने लिखा टीच और टीच में हमने क्या लगाया ईआर तो क्या बन गया टीचर, क्या बन गया टीचर। तो ऐसे भी आप कॉमन नाउन की पहचान कर सकते हैं, तो टीचर तो कोई भी हो सकता है, सभी टीचर हो सकते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी आपको यूजफुल लगा हो, तो कल हम नाउन से अगला प्रोनाउन को समझेंगे। कल जो वीडियो आएगी वो प्रोनाउन की आएगी फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और अच्छा सा कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।